नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रवि जांगड़ा एक बार फिर से हाजिर हूँ खबर लेकर। खबर है इस बार किसानी से जुड़ी हुई, और खबर ये है कि इस बार जो रकबा है सरसों का, वो रकबा इस बार घटने के आसार लगातार है। गेहूं का रकबा बढ़ेगा, यानी गेहूं की बिजाई का जो क्षेत्र है वो इस बार बढ़ने जा रहा है, और सरसों का जो रकबा है वो घट रहा है। दरअसल अगर हर साल की बात करें तो विगत वर्ष जो है सरसों की बिजाई का जो रकबा था, पिछले वर्ष अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से, आंकड़ों के लिहाज से बात करूं तो 3,68,000 था, और इस बार ये घटकर 3,42,000 का रह गया है। एक बड़ा कारण इसका जो है मौसम, और दूसरा कारण नहीं है, एक बड़ा कारण ये है मौसम है। हालांकि अक्टूबर के महीने में जो है सरसों की बिजाई वो शुरू होती है, क्योंकि ठंड उस वक्त शुरू हो जाती है, और ठंड के दौरान जो है सरसों की बिजाई की जाती है, वो मौसम अनुकूल माना जाता है सरसों की बिजाई के लिहाज से। लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में खूब गर्मी पड़ी है, टेम्परेचर जो है वो भी 30-32 के पार था अक्टूबर के महीने में। सर्दियों का आगाज नवंबर के महीने में, मिड नवंबर के बाद ही कहीं ना कहीं हुआ है। तो ऐसे में इस बार जो है गेहूं का जो रकबा है वो बढ़ने जा रहा है, सरसों का रकबा घटा है, क्योंकि जो किसान थे तापमान ज्यादा होने की वजह से अक्टूबर के महीने में वो सरसों की बिजाई नहीं कर पाए थे। ऐसे में जहां वो सरसों की बिजाई नहीं कर पाए थे वहां अब गेहूं की बिजाई करने में मशरूफ है, गेहूं की बिजाई वहां की जा रही है। तो आने वाले दिनों में माना जा सकता है, क्योंकि अगर वो पछेती अगर बिजाई करते हैं, बुआई करते हैं सरसों की, तो शायद अपेक्षित परिणाम ना निकले, मौसम की भी मार पड़ती है। ऐसे में अब जो जगह, जो रकबा बचा था उस रकबे में जहां सरसों की बिजाई की जानी थी वहां पर अब गेहूं की बिजाई की जा रही है, गेहूं की बिजाई का उत्तम मौसम है। और ऐसे में कृषि महकमे के अधिकारियों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि सिंचाई के लिहाज से इस वर्ष जहां गेहूं की बिजाई अच्छी होनी है, अगर मौसम के लिहाज से बात करें, जब ये गेहूं की बिजाई अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर सरसों की जो अब सिंचाई होनी है, सरसों की फसल में भी जो सिंचाई होनी है इस बारिश के लिहाज से, उसको अमृत माना जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें, बारिश बताई गई थी और कुछ इलाकों में बारिश हुई भी है। उसके बाद अब अगर बात की जाए अगले दो तीन रोज में और बारिश होनी है, तो ये पहली जो सिंचाई है सरसों की फसल में वो होनी है। रामबाण का काम करेगी, वो वरदान का काम करेगी, एक अमृत की बूंदों की तरह ये बारिश जो है, ये बूंदे ये काम करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें गेहूं के लिहाज से भी, गेहूं की बिजाई के लिहाज से भी इसको उत्तम माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कई सारे फैक्टर हैं जो मौसम की वजह से इस बार फसलों को प्रभावित करेंगे। मौसम जिस तरह से जो असर डाल रहा है, पहले तापमान ज्यादा था, सरसों की बिजाई नहीं हो पाई थी, अब गेहूं की बिजाई हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस बार गेहूं की फसल अपेक्षित होगी। बने हमारे साथ, देखते हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।